श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान हिंगन घाट विभाग की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक नवरात्रि उत्सव के तहत दुर्गा माता दौड़ का आयोजन किया गया। दशहरे पर दुर्गा माता दौड़ का समापन हुआ। श्री दत्त मंदिर देवस्थान हिंगन घाट में सुबह शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वसंतराव पाल गुरुजी अध्यक्ष पतंजलि योग समिति वर्धा साथ ही श्री समीर धारकर राकेश माड़े और योगेश संकुटवार थे। दीप व भगवा ध्वज का पूजन कर दौड़ शुरू हुई। श्री दुर्गा माता दौड़ का संचालन रोशन नागमोती ने किया था। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए दौड़ श्री दत्त मंदिर क्षेत्र में आई। इस अवसर पर विभिन्न देशी भक्ति गीत अभंग का आयोजन किया गया। मार्गदर्शन श्री वसंतराव पाल गुरुजी ने किया। ध्यय मंत्र और प्रेरणा मंत्र के साथ दौड़ का समापन मनाया गया। दौड़ी में शहर के विभिन्न वार्डों से सभी आयु वर्ग के महिला पुरुषों ने भाग लिया। भारत माता का स्मरण करते हुए दौड़ शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यह जानकारी श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिला वर्धा के अध्यक्ष रोशन नागमोती ने दी है। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि यनौरकर की रिपोर्ट।